अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। नमस्कार। इसी गांव की संतान, परौ गांव की मिट्टी में जन्म लेने वाले देश के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने जब मुझे कहा था कि मुझे यहां आना है, तभी से मैं आपके पास आकर के गांव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। आज यहां आकर वाकई मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इस गांव ने राष्ट्रपति जी का बचपन भी देखा है और बड़े होने पर उनको हर भारतीय का गौरव बनते भी देखा है। यहां आने से पहले राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस गांव से कई यादें साझा की। मुझे पता चला कि पांचवी के बाद जब उनका दाखिला 5-6 मील दूर के गांव में करा दिया गया था, तो नंगे पांव स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी। ये दौड़ इसलिए होती थी कि गर्मी से तपती हुई पगडंडी पर पैर कम झले। सोचिए, ऐसी ही तपती दोपहरी में पांचवीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा है। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। आज राष्ट्रपति जी के गांव में आने का यह अनुभव मेरे लिए जीवन की एक सुखद स्मृति की तरह है। भाइयों और बहनों, जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न स्थानों को देख रहा था, तो मैंने परोख में भारतीय गांव की कई आदर्श छवियों को महसूस किया। यहां सबसे पहले मुझे पथरी माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। ये मंदिर इस गांव की, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसा मंदिर है जहां देवभक्ति भी है, देशभक्ति भी है। और मैं देशभक्ति इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के पिताजी की सोच को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूं। वे अपने जीवन में तीर्थाटन करना, अलग अलग यात्रा स्थानों पर जाना, ईश्वर के आशीर्वाद लेना,
इसके लिए कभी घर से निकल जाते थे, कभी बद्रीनाथ गए, कभी केदारनाथ गए, कभी अयोध्या गए, कभी काशी गए, कभी मथुरा गए, अलग अलग स्थान पर गए। उस समय की उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि गांव के सबके लिए वहां से वह प्रसाद ले आए, पूरे गांव को कुछ बांट सके। तो उनकी कल्पना बड़ी मजेदार थी कि वह उस तीर्थ क्षेत्र से, उस मंदिर परिसर से एकाध पत्थर ले आते थे और पत्थर यहां पेड़ के नीचे रख देते थे और उस पवित्र स्थान से पत्थर आया है, हिंदुस्तान के कोने कोने से पत्थर आया है, इसके प्रति एक भाव जग जाता था और गांव वालों ने उसे मंदिर के रूप में पूजा की कि फलाने इलाके का पत्थर है, उस फलाने मंदिर के इलाके का पत्थर है, ये फलानी नदी के पास का पत्थर है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें देव भक्ति भी है और देश भक्ति भी है। राष्ट्रपति जी के पिताजी इस मंदिर में पूजा किया करते थे, इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने में स्वाभाविक है कि मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार मंडरा रहे थे और मैं अपने आप को धन्य पाता हूं कि मुझे उस मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला है। साथियों, परों की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है। और मैं आज देख रहा था कि एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ संस्कार, और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकल करके मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर रिसीव करने आए, मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो इस उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, उनके पद की एक गरिमा है, एक वरिष्ठता है। मैंने कहा, राष्ट्रपति जी आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया आज। तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गांव में आए हैं, मैं यहां पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूं, मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूं, मैं इस गांव के एक बच्चे के रूप में, जहां से जिंदगी शुरू हुई, उस गांव के नागरिक के रूप में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। अतिथि देवो भव के संस्कार भारत में किस प्रकार से हमारी रगों में पहुंचे हैं, उसका उत्तम उदाहरण आज राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। मैं राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने पैतृक आवास को मिलन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दे दिया था। आज वो विमर्श और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर महिला सशक्तिकरण को नई ताकत दे रहा है। उनके प्रयास से यहां अंबेडकर भवन के रूप में बाबा साहेब का आदर्शों को प्रेरणा केंद्र भी बनाया गया है। मुझे विश्वास है भविष्य में प्रणव आपके सामूहिक प्रयासों से विकास के रास्ते पर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के सामने ग्रामीण विकास का मॉडल पेश करेगा। साथियों, हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है, वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ग्रामीण भारत के लिए, हमारे गांवों के लिए,
हमारे सपने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी भारत की आजादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। भारत का गांव यानी जहां आध्यात्म भी हो, आदर्श भी हो। भारत का गांव यानी जहां परंपराएं भी हो और प्रगतिशीलता भी हो। भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो और सहकार भी हो, जहां ममता भी हो और समता भी हो। आज आजादी के अमृतकाल में ऐसे ही गांवों का पुनर्गठन, उनका पुनर्जागरण, ये हमारा कर्तव्य है। आज इसी संकल्प को लेकर देश गांव, गरीब, कृषि, किसान और पंचायती लोकतंत्र के विभिन्न आयामों में काम कर रहा है। आज भारत के गांव में सबसे तेज गति से सड़कें बन रही हैं। आज भारत के गांवों में तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आज भारत के गांवों में तेज गति से घर बन रहे हैं, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। शहरों के साथ साथ हमारे गांव में भी विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी है। आप सोचिए, क्या किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन खेती से जुड़े मुश्किल से मुश्किल काम अब ड्रोन के जरिए से भी होना शुरू हो जाएगा? लेकिन आज देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां इस गांव में भी 300 से ज्यादा लोगों को स्वामित्व के तहत घरौनी दी जा चुकी है, प्रॉपर्टी के कागज दिए जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे किसान की सुविधा और आमदनी दोनों बढ़े, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, हमारे गांवों के पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है और सबसे ज्यादा समर्पण।